नमस्कार, मैं हूं अर्णिमा द्विवेदी और बिग बॉस 14 में अगले वीकेंड के वार का इंतज़ार शायद हम सबको है, क्योंकि अगले वीकेंड के वार में क्या कुछ होने वाला है ये अगर हम अपने व्यूअर्स को बताएं तो शायद इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा जग जाएगा। सलमान खान लेकर के आ रहे हैं कुछ धमाकेदार इंस्टेंसेस, कंट्रोवर्सीज क्रिएट होने वाली हैं, दोस्ती में दरार पड़ती नज़र आएगी और सलमान की लताड़ का जो व्यूअर्स को इंतज़ार था वो भी कंटेस्टेंट्स को पड़ती नज़र आ रही है। जी, तो सलमान खान हम लोगों को ऐसा एंटरटेनमेंट देने वाले हैं बिग बॉस 14 के आने वाले एपिसोड्स में, आने वाले वीकेंड के वार में, जिसको ले करके शायद बिग बॉस जो अपनी पॉपुलैरिटी कहीं ना कहीं लैक कर रहा था वो फिर से गेन कर लेगा। तो बिग बॉस 14 में फिलहाल सलमान खान लताड़ लगाने वाले हैं रुबीना दिलैक को, जो हम सबको एक्सपेक्टेड था उनकी पिछली कुछ हरकतों को लेकर के। तो रुबीना ने जिस तरीके से अपना गेम प्ले किया था, जिस तरीके से सलमान को टारगेट पे लेने की कोशिश की थी, बिग बॉस से ही झगड़ने की कोशिश की थी, वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर अब पलटवार करता हुआ दिखाई देगा। सलमान खान वीकेंड के वार के प्रीव्यूज में साफ तौर पर नाराज नजर आ रहे हैं। दिखाया जा रहा है कि सलमान आकर के रुबीना से दो टूक बात करेंगे और उनको ये इशारों इशारों में समझा के जाएंगे कि रुबीना का ये एंग्री यंग वुमन वाला एटीट्यूड उनके ऊपर बिग बॉस 14 में काफी भारी पड़ता नजर आएगा। हम बात करते हैं डिटेल में कि आखिर प्रीव्यू में दिखाया क्या गया था। तो प्रीव्यू में हम साफ तौर पर यह देख सकते हैं कि वीकेंड का वार में सभी घर वाले घर में बैठ करके सलमान का वेट कर रहे हैं और सलमान की एंट्री होते ही सलमान की झाड़ पड़ती है रुबीना दिलैक के ऊपर। पिछले एपिसोड्स में, जब पिछले वीकेंड के वार में सलमान ने मजाक मजाक में अभिनव शुक्ला यानी रुबीना दिलैक के पति को, जो कि उनके को कंटेस्टेंट भी हैं बिग बॉस 14 में, उनको मजाक मजाक में ये कह दिया था कि रुबीना अपने साथ एक बहुत ही कीमती सामान लेकर के आई हैं, तो रुबीना को और अभिनव को ये बात खासा पसंद नहीं आई थी और रुबीना ने इसको ले करके सलमान से शिकायत भी की थी, जिसके बाद सलमान ने बात कही थी कि वो सिर्फ मजाक कर रहे थे। लेकिन बात यहीं पे ख़त्म करने के बजाय रुबीना दिलैक बिग बॉस के कन्फेशन रूम में जाती हैं, बिग बॉस के कन्फेशन रूम में उनसे झगड़ा करती हैं कि अभिनव को सामान क्यों कहा गया, सलमान खान ने इंसल्ट करी, अगर इस तरीके की इंसल्ट होती है तो मैं ये गेम नहीं खेलना चाहती हूँ, मैं इस घर से बाहर जाना चाहती हूँ। इस तरीके की कई बातें उन्होंने बिग बॉस से करी थी, जिसके बाद बिग बॉस ने उन्हें समझाया था। यहाँ तक कि बिग बॉस को ये तक कहना पड़ा था कि वो सलमान से कह देंगे कि आगे से आपसे और अभिनव से कोई भी मजाक ना करें। इसको लेकर के सलमान खान काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पर रुबीना से ये बात कह दी है कि रुबीना दिलैक, मैं इस शो का कंटेस्टेंट नहीं हूँ, आप अगर ये गेम प्ले करना चाहती हैं तो बखूबी करिए, शौक से करिए, सिंपैथी लेना चाहती हैं लोगों की तो बिल्कुल लीजिए, लेकिन अगर आप मेरा नाम यूज़ करके ये सिंपैथी ले रही हैं तो मैं क्लियर कर दूँ कि मैं इस घर का होस्ट हूँ और आप यहाँ पर एक प्लेयर हैं। मेरा नाम यूज करने से आपको कोई फायदा नहीं होगा, मेरी फैन फॉलोइंग आपसे ज्यादा है। जी, सलमान खान ने यहां पर अपनी फैन फॉलोइंग की भी बात कर दी। सलमान खान ने रुबीना को यह तक बता दिया कि आप मेरे आगे कुछ नहीं है, मैं सलमान खान हूं, दी सलमान खान हूं, और उसके बाद वो अपनी नाराजगी के एटीट्यूड में आते हैं और रुबीना से यह साफ तौर पर कह देते हैं कि अगर आप अब मेरा नाम यूज करके अपनी सिंपैथी गेन करेंगी, अपना गेम प्ले करेंगी, अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगी, तो शायद आने वाले दिनों में जो ये गलतफहमी का गुब्बारा है, जो ये गलतियों का गुब्बारा है, ये आपके ऊपर फूट सकता है और आपके लिए ये सफ़र काफ़ी कठिन हो जाएगा। तो कड़े शब्दों में वार्निंग है, इनडायरेक्ट वार्निंग है सलमान की तरफ से, और रुबीना दिलैक को फ़िलहाल तो समझाने की कोशिश की है सलमान खान ने अपने ही शब्दों में। तो अब देखते हैं रुबीना दिलैक का क्या गेम पलट जाएगा, या फिर रुबीना दिलैक सलमान खान की बातों से डर कर थोड़ा सहम जाएंगी, घर में थोड़ा आराम से बर्ताव करेंगी, खास तौर पर भाईजान का नाम अपने गेम प्ले में नहीं लाएंगी, या ऐसा भी हो सकता है कि रुबीना दिलैक के घर छोड़ने की बात फिर से करें। हालांकि
इस बात पर भी सलमान की वार्निंग मिल चुकी है रुबीना को। वो साफ तौर पर ये कह देते हैं कि अगर आपको गेम नहीं खेलना है तो आप अभी बैग उठाइए और बाहर आ जाइए। लेकिन अब क्या रुबीना घर के बाहर आएंगी या फिर वो सलमान से माफ़ी मांग करके अपना गेम कंटिन्यू रखेंगी, ये तो वीकेंड के वार का इंतज़ार शायद हम सबको है सिर्फ ये देखने के लिए। और व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट से अब शायद इंतज़ार करेंगे सलमान का वो जो एंग्री यंग मैन वाला लुक है उसको भी देखने के लिए। तो अगर आप सलमान के लुक को मिस नहीं करना चाहते हैं तो बिग बॉस बिल्कुल मत छोड़िएगा। और अगर आपसे कोई भी अपडेट मिस हो जाती है तो वापस हम यहीं पर रहेंगे आपके लिए हर एक अपडेट लाने के लिए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू।